हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, नाम पढ़ते ही पता चल रहा है शहरी है, शहरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना। जिनके पास क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं होती उनको इस स्कीम के तहत बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए। क्रेडिट मतलब उधार पैसा दिया जाए, जिससे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, कब तक ये योजना कब से प्रारंभ करी गई थी? ये योजना प्रारंभ करी गई थी 6 अगस्त 2021 से। कब तक के लिए? 31 मार्च 2022 तक के लिए ये योजना थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है 6/08/2021, ठीक है। 31/03/08/03 याद रखने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च 2023 को, 2022 वाला। तो तब तक के लिए दी थी, अगस्त से प्रारंभ करी गई थी 6 अगस्त से। अब इसमें क्या है, इसमें जो मोरेटोरियम की अवधि है वो कितने महीने? 3 माह रखी गई। मोरेटोरियम क्या होता है? ग्रेस पीरियड। जैसे मान लीजिए किसी ने जनवरी में लोन लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 माह तक तो उसको जो लोन लिया है उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा कब से देगा? नेक्स्ट, वो 3 माह के बाद 4वें महीने से पैसा देगा, जैसे अप्रैल से पेमेंट देना चालू करेगा, किस्तें भरना चालू करेगा, ठीक है। तो ऋण दोबारा भुगतान की अवधि कितनी है? 12 माह की है। अब वो चुकाने कितने महीने में? 12 महीनों में। उसे जो लोन लिया है वो पूरा का पूरा लोन कितने महीने में चुकाएगा? 12 महीने में चुकाएगा। तो ये आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि मोरेटोरियम अवधि कितनी है। ऐसे लिख के आ सकता है मोरेटोरियम की 4 माह अवधि थी, तो क्या ये है? नहीं, 4 माह नहीं है, 3 माह है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस योजना के ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना के मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग कौन कौन से, जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, कुमार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाले हो गए, नल बिजली मरम्मत करने वाले हो गए, है ना, इत्यादि, आर्थिक रूप से संबल प्रोवाइड कर, मतलब उनको मजबूत बनाना है, इकोनॉमिकली उनको क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें लाभार्थी बिना गारंटी के 1 वर्ष के अधिकतम 50,000 रुपये का लोन ले सकता है। कितना ले सकता है? 1 वर्ष में 50,000 रुपये का मैक्सिमम लोन ले सकता है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको 50,000 ही लेने, आप अगर आपको ज़रूरत है 15,000 की तो 15,000 के लिए अप्लाई कर दीजिए, 15,000 का लोन मिल जाएगा और आपको कोई गारंटी भी नहीं रखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। अब ये योजना है 100% किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। कौन से? हमारे राजस्थान राज्य की ही 100% गवर्नमेंट है, इसमें सेंटर का कोई शेयर नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि पूर्णतः ये स्कीम किसके द्वारा चालू करी गई है? राज्य सरकार की योजना है। एक पॉइंट ये हो गया, मोरेटोरियम अवधि 3 माह और भुगतान कितना करना है? 12 महीनों में, ठीक है। और अनुदान 100% किसका है? राज्य सरकार का। कितना पैसा है? 50,000 रुपये। क्या नाम है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। किसको दी जाएगी? स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान 4वें से 15वें माह तक 12 समान किस्तों में करना है। जो भी अपन ने ऊपर देखा था कि जनवरी फरवरी मार्च में उसने लोन लिया, या जनवरी में ले लिया, तो 3 महीने छोड़ दीजिए जनवरी फरवरी और मार्च को, फिर 4वें महीने से वो पेमेंट करेगा। कब? 12 महीनों के लिए। तो नेक्स्ट अप्रैल से लेकर अप्रैल माह तक वो पेमेंट भरता रहेगा इसकी। तो इसमें बस यही है। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, अब देखते हैं। देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब लेकर आए थे? 17 दिसंबर 2019 से प्रारंभ करी गई। तो ये डेट हमें अच्छे से याद रखनी है। कौन सी है? 17/12/19। कैसे भी याद करें, आपको याद करनी है कि 17/12/19 को क्या लगाया था? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए कराएं। अब ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि राजस्थान, देखो, हमें सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन भरता है? बड़ी बड़ी कंपनियाँ भरती हैं, लोग भरते हैं, सब लोग भरते हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, ठीक है, रोजगार बढ़ता है, डेवलपमेंट लेकर आती है इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है सोसाइटी के अंदर। तो सरकार के जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा तो उसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अब देखिए, जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, क्यों लेकर आए राज्य सरकार? राज्य सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज़ खोलें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, और जिस ज़्यादा से ज़्यादा फिर टैक्स मिलेगा सरकार को। उससे क्या होगा? सरकार देश चला पाएगी, राज्य चलाएगी, है ना, गरीब जनता का जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें पैसा खर्च कर पाएगी, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कहाँ से देगी? पैसा चाहिए, तो इसलिए ये काम करने पड़ेंगे, है ना। अब देखिए, इसकी जो अवधि थी वो कब तक रखी गई? 31 मार्च 2026। तो 19 से लेके 26 तक ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई कि इसमें राज्य सरकार क्या करेगी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बेनिफिट देगी। कौन कौन से बेनिफिट देगी, आ जाइए देखते हैं। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसमें पात्र कौन होगा। देखिए, यह योजना नए उपक्रम, कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उनके लिए लेकर आई है, या फिर
स्थापित उपक्रम, कोई पहले से ही उपक्रम कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और वो विस्तार कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है और 50 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस फर्म में, ठीक है, एक इंडस्ट्री हो गई, ये इंडस्ट्री हो गई, ठीक। तो अब ये 50 करोड़ रुपए इस पे इसको बेनिफिट मिलेंगे, पुराने वाले पे इसको बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। अब देखिए इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 इसका नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी पात्र जो भी इसकी में एलिजिबल होंगी, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण को क्या बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, एंड सेवा को क्या बोलते हैं सर्विसेज, उद्योग, जो इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, वो ये छूट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब कौन कौन सी होंगी एलिजिबिलिटी ये दे रखी है यहाँ पर, देखो पहला है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दे एंड जमा जो GST दी जाएगी, कौन सी, SGST का कितना, 75% छूट देगी राज्य सरकार। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर करता हूँ जिससे आपको ये समझा सकूँ व्हाट इज़ SGST और GST होती क्या है, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। देखिए GST कितने प्रकार की है, GST जिसको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, GST 4 प्रकार के हैं। पहली कौन सी, CGST जो सेंट्रल लगाती है इस पर टैक्स, है ना, सेंट्रल जो कलेक्ट करती है, सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। दूसरी हो गई SGST, ये स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गई। तीसरी हो गई IGST, देखिए IGST कब लगाई जाती है, जब गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और ये कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कलेक्ट किस और डिस्ट्रीब्यूट किसको करती है बाद में, ये स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, कलेक्शन का काम किसका, सेंटर का काम है IGST का। चौथी कौन सी हो गई, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, UTGST बोलेंगे इसको, यूनियन टेरेटरी, तो ये हो गई सेंटर की, ये स्टेट की हो गई, ये UTs की हो गई, यूनियन टेरिटरी की, और ये IGST हो गई, तो ये 4 है। तो अब जो सब्सिडी दी जा रहा है इन्वेस्टमेंट, ये किस पे, SGST पे ही दिया जाएगा 75%, ये सभी पर नहीं दिया जाएगा, CGST IGST UTGST पर नहीं मिलेगा ये अनुदान, ये किस पे मिलेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी किस पे मिलेगा, SGST पे मिलेगा, ये याद करना है, इसलिए चीज़ें बताइए आपको, है ना। फिर रोजगार सृजन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, अब देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, इनके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ के सिक्योरिटीज़ के लिए, भविष्य की सिक्योरिटीज़ के लिए PF का पैसा और ESI का पैसा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पैसा कटौती होती है एम्प्लॉय के अकाउंट से, ठीक है, जितना परसेंट एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसा कटेगा उतना ही जो जिसने इनको काम दिया है एम्प्लॉयर उसके अकाउंट से भी पैसा कटता है। तो ये 50% है ना, जो एम्प्लॉयर को जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये जमा करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉय भी 5,000 रुपये जमा करेगा, एक एग्जाम्पल है ना, तो 5,000 रुपये का जो आधा होगा ना 2,500 रुपये उस पर छूट मिलेगी। यहाँ पर इसमें ये दे रखा है कि नई जो इंडस्ट्रीज लाएंगे निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसके अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, तो इसका जो ये 5,000 देगा तो इसका 50% मतलब 2,500 रुपये कौन देगा, राज्य सरकार पुनर्भरण के लिए देगी, तो बाकी पैसा तो इनको देना ही है पर 50% कौन दे रहा है, राज्य सरकार दे रही है। आज ये तीसरा देखिए, विद्युत कर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% छूट, कितने, 7 वर्षों के लिए। मंडी शुल्क इसमें 100% छूट, कितने, 7 वर्षों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बिल नहीं देगी, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ड्यूटी अमाउंट पे छूट मिलेगी, ठीक है, कितनी, 100% छूट मिलेगी, कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए। मंडी फीस, मंडी पर कितने, मंडी फीस कितनी, 100% छूट, ये भी 7 वर्षों के लिए है। फिर देखिए लैंड टैक्स, जो भूमि कर लैंड टैक्स दिया जाता है उस पर भी 100% छूट, कितने, 7 वर्षों के लिए दी जाएगी। फिर आ जाइए देखिए स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी कितनी, 100% छूट, और ये एक बार ही लगता है स्टैंप ड्यूटी, जब भी आप लैंड खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी एक बार देनी पड़ती है, तो 100% छूट मिल जाएगी। अब देखिए भूमि रूपांतरण शुल्क, लैंड कन्वर्जन टैक्स, अब देखिए लैंड कन्वर्जन टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आपने उसको कन्वर्ट कराया है कॉमर्शियल लैंड में, तो आप क्या करेंगे, इस पर 100% छूट मिल जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, इसके लिए क्या चाहिए, कॉमर्शियल लैंड चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री चला पाएंगे इस पर, तो उस पर कितनी, 100% छूट है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जितने भी टैक्सेस हैं इन पर 100% छूट है, सिर्फ इसको छोड़ के जो एम्प्लॉयर का जो पैसा है, जो अंशदान है, उसमें 50% देगी कौन, राज्य सरकार देगी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के पैसे कितने देगी, 75% देगी उस पर छूट, ठीक है, किसमें, SGST में ओनली, CGST IGST UTGST पे नहीं देगी, सिर्फ SGST में देगी। अब 100% छूट कहाँ कहाँ दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी फीस, लैंड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड लैंड कन्वर्जन टैक्स पर 100% छूट है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, मंडी एंड लैंड टैक्स में 7 सालों के लिए है, ठीक है। तो बस इसमें बस इतना ही, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, तब तक आप खुश रहिए।